दोस्तों, ये मूवी एक सच्ची कहानी पर आधारित है जो 1862 के उस इवेंट के बारे में बताती है जब साइंटिस्ट जेम्स ग्लेशियर ने अपने पायलट हेनरी कॉक्सवेल के साथ 30,000 फीट की उड़ान भरी थी और जिसमें वो मरते मरते बचे थे। लेकिन इस मूवी में हेनरी कॉक्सवेल का किरदार एमिलिया नाम के किरदार से बदल दिया गया है। दोस्तों, मूवी हमें 1862 में लंदन में दिखाई जाती है जहां एमिलिया बहुत परेशान होकर गाड़ी से उतर जाती है और उसकी बहन उसे समझाती है कि उसे जेम्स के साथ उड़ान भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और उसे जाने को कहती है। दरअसल एमिलिया साइंटिस्ट जेम्स के साथ एक हॉट एयर बलून में आसमान की लंबी उड़ान भरने वाली होती है। यह वो समय होता है जब लोग आसमान और उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते थे और बहुत गिने चुने लोग आसमान की गहराइयों को जानने के लिए उड़ान भरते थे और फिर एक जगह सब लोग इकट्ठा होते हैं जहां से एमिलिया और जेम्स उड़ान भरने वाले होते हैं और मौसम की खराब हालत देखकर जेम्स के तैयार किए हुए आंकड़ों का अनुमान बदलने लगता है, जिससे उसका सहयोगी जॉन उसे किसी और दिन उड़ान भरने को कहता है और वो ये बात अपने इन्वेस्टर को बताता है जिसने इस प्रयोग के लिए उनकी पैसे देकर मदद की होती है। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और उन्हें बताता है कि बहुत से लोग पैसा देकर उन्हें देखने आए हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता और जेम्स उसे बताता है कि वो आज ही उड़ान भरेगा और ये लोग एमिलिया का इंतजार करते हैं जो इनकी पायलट होती है और आने में लेट हो जाती है। और वहीं एमिलिया लोगों का मनोरंजन करते हुए वहां पहुंच जाती है और उन्हें बहुत से करतब करके दिखाती है और उन्हें बताती है कि आज वो लोग उन फ्रांसीसियों का रिकॉर्ड तोड़ देंगे जिन्होंने 23,000 फीट के आसमान में उड़ान भरी होती है। और लोगों का मनोरंजन करने के बाद ये लोग उड़ान भरते हैं और एमिलिया थोड़ी ऊंचाई पर जाकर अपने डॉग को नीचे फेंक देती है जिससे पैराशूट की मदद से वो नीचे आ जाता है और जेम्स ऊंचाई से पूरे शहर के नज़ारे को देखता है और एमिलिया को बताता है कि उसे करतब करने की जरूरत नहीं थी, जिससे एमिलिया उसे बताती है कि वो बस लोगों का मनोरंजन कर रही थी जिन्होंने उनके इस काम को देखने के लिए पैसे दिए होते हैं। और ऊपर से दृश्य को देखकर जेम्स अपनी पुरानी यादों में खो जाता है और उस पल के बारे में सोचता है जब वो अपने दोस्तों के साथ दुनिया के पहले बलून को उड़ते हुए देखता है जिसने आसमान में उड़ान भरी होती है, जिससे उसे देखकर वो बहुत प्रभावित होता है और उसके बाद एक मीटिंग में सबको अपने प्लान के बारे में बताता है कि वो कैसे वो बलून की मदद से सूरज की तरंगों, आसमान और वातावरण की ऑक्सीजन और बारिश के बारे में जान सकते हैं जिससे बहुत से लोगों को फायदा हो सकता है और उन लोगों से आसमान के सफर में जाने के लिए पैसों की मदद मांगता है। लेकिन कोई भी उसकी इस चीज में इंटरेस्ट नहीं दिखाता है और उस मीटिंग को छोड़कर चले जाते हैं, जिससे जेम्स को बहुत दुख होता है और वहीं उसके पिता भी उसकी बात को सुनकर हंसते हैं और उस पर विश्वास नहीं करते हैं। और फिर कहानी वहीं आ जाती है जहां जेम्स बलून के ऊपर बढ़ने पर मौसम का तापमान चेक करता है और उसे अपनी डायरी में लिखता है और इन्हें शहर दिखना बंद हो जाता है, जिससे ये बादलों के बीच में खो जाते हैं। और मौसम को देखते हुए एमिलिया अपना रेनकोट पहन लेती है और ये लोग कड़कती बिजली और तूफान का सामना करते हैं जिससे बलून इनके कंट्रोल में नहीं रहता और तूफान में फंस जाता है। और यह देखकर एमिलिया बलून को नीचे ले जाने की कोशिश करती है, जिससे जेम्स उसे रोकता है और उसे बताता है कि अगर बलून नीचे गया तो वो अपने मौसम के बारे में जानने का मौका खो देंगे। और वहीं एमिलिया गिरने वाली होती है, जिससे जेम्स उसे बचाता है और ये लोग बहुत सा सामान फेंक कर बलून को हल्का कर देते हैं, जिससे वो बादलों से ऊपर की ओर चला जाता है और ये लोग बच जाते हैं और बलून को सही करते हैं और ऊपर का दृश्य देखकर खुश हो जाते हैं। और जैसे ही आगे बढ़ते हैं, एमिलिया अपने पति के बारे में सोचने लगती है जो कुछ समय पहले मर गया होता है और हमें एमिलिया की कहानी दिखाई जाती है जहां पति की मौत के बाद वो शराब के नशे में डूब गई होती है और उसकी बहन आकर उसे एक पार्टी में ले जाती है जहां उसकी मुलाकात जेम्स से होती है, जो उसे बताता है कि वो एक साइंटिस्ट है और बलून की मदद से मौसम की भविष्यवाणी करना चाहता है और उसे बताता है कि उसके पास जो बलून है उसकी मदद से वो आसमान में जाकर मौसम के बारे में जान सकते हैं, जिससे बाढ़, सूखा, फसल और लोगों की जान बचा सकते हैं। और वो मदद करने को तैयार हो जाती है और काम शुरू कर देती है, जिससे उसकी बहन उसे ऐसा करने को मना करती है। लेकिन एमिलिया उसे बताती है कि वो आसमान में पहले भी गई है और उसे इससे खुशी मिलती है, लेकिन उसकी बहन बताती है कि वो पढ़ी लिखी है और किसी और काम को कर सकती है और वहां से चली जाती है। और कहानी फिर उसी बलून पर आ जाती है जहां वो 17,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे होते हैं और वहां उन्हें बहुत सी तितलियां और कीट मिलते हैं जो वहां उड़ रहे होते हैं, जिससे उन्हें इसके बारे में पता चलता है। और एमिलिया जेम्स को अपने पति के बारे में बताती है जो बहुत बहादुर होता है और उसे इस यात्रा में लाने के लिए उसका धन्यवाद करती है
और फिर एमिलिया की कहानी शुरू हो जाती है, जहां वो अपने पति के बारे में सोच रही होती है जिसके साथ उसने पहली उड़ान भरी होती है, और वो जेम्स के पास जाकर उससे मिलती है और उससे यात्रा में जाने के लिए मना कर देती है, जिससे जेम्स उसे बताता है कि उसने सारी तैयारियां कर रखी हैं, जिसमें उसका और इन्वेस्टर का बहुत सारा पैसा लगा होता है, लेकिन एमिलिया उसकी बात नहीं मानती है और वहां से चली जाती है, और जेम्स अपने घर जाकर वापस आ जाता है, जहां उसकी माँ उससे एमिलिया के साथ बलून में जाने के लिए मना करती है, क्योंकि समाज की नजरों में वो एक बहुत दिखावटी लड़की होती है, जिससे जेम्स गुस्से में उन्हें बताता है कि एमिलिया ने खुद मना कर दिया है, और अपने पिता से मिलता है जो बहुत बीमार हो गए होते हैं और जिन्हें काफी चीजें याद नहीं रहती हैं, और वो उसे आसमान के तारों और उसके रहस्य के बारे में बताते हैं। और अगले दिन जेम्स जाकर मिस्टर ग्रीन से मिलता है, जो एयर बलून लेकर उड़ान भरने वाले होते हैं, जिससे जेम्स एक हेल्पर के रूप में उनके साथ उड़ान भरने को कहता है, लेकिन वो जेम्स का मजाक उड़ाता है और उसे मना कर देता है, और वो निराश हो जाता है, और कहानी वापस वहीं आ जाती है जहां वो 22,000 फीट ऊंचाई पर उड़ान भर रहे होते हैं, और कुछ समय बाद 23,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, जहां पहले कभी किसी ने उड़ान नहीं भरी होती है, जिससे ये दोनों ये नजारा देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन इस जगह पर हवा का दबाव ज्यादा होता है, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है और ठंड बढ़ने लगती है, जिससे जेम्स को ठंड लगती है, और एमिलिया जेम्स से रेनकोट निकालने को कहती है, जिससे वो नहीं लाया होता है क्योंकि इससे बलून पर वजन बढ़ सकता है, और यह देखकर एमिलिया उसे नीचे उतरने को कहती है, लेकिन जेम्स उसे मना करता है और उसे बताता है कि वो लोग और ऊंचाई पर जाकर मौसम को जान सकते हैं, जिससे एमिलिया उसकी बातों में आ जाती है और उसे बताती है कि कुछ दूर जाने के बाद वो इसे नीचे ले जाएंगे। और फिर हमें एमिलिया की कहानी दिखाते हैं, जहां जेम्स का दोस्त उससे मिलने आता है और उसे एक बुक दिखाता है जिसमें जेम्स के बहुत से प्रयोग होते हैं, और वो उसे बताता है कि उसके बताए फैसले कभी गलत नहीं होते हैं, और अगर वो उसकी मदद करती है तो लोगों की बहुत सी चीजें साइंस के प्रति बदल सकती हैं, और वहां से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि ज्यादा ऊंचाई पर जाने से उनके बलून पर बर्फ गिरने लगती है और जेम्स भी ठंड सहन नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन वो अपने जुनून को रोकता नहीं है और सामान फेंकने लगता है, जिससे बलून पर दबाव कम हो और वो ज्यादा ऊंचाई पर जाए, और एमिलिया उसे ऐसा करने से रोकती है, और जेम्स उसे बताता है कि उसके पति ने अपनी जान लापरवाही की वजह से ली होती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा, और एमिलिया उसे बताती है कि उसके पति की जान उसकी वजह से गई होती है, क्योंकि बलून में छेद हो गया होता है जिस पर उसने ध्यान नहीं दिया होता है, और बलून भी तेजी से नीचे जा रहा होता है, जिससे वो खुद को बलून से गिरा देता है, जिससे बलून ऊपर उड़ सके और एमिलिया की जान बच सके, और जेम्स इस बात के लिए एमिलिया से माफी मांगता है, और वो जैसे ही बलून को नीचे लाने की कोशिश करती है, रस्सी अटक जाती है, और वहीं जेम्स की हालत भी ज्यादा खराब हो जाती है, जिससे वो रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, और जैसे ही रस्सी खींचने वाली होती है कि वहां लटक जाती है और ऑक्सीजन कम होने की वजह से बेहोश होने लगती है, लेकिन वो हार नहीं मानती और रस्सी की मदद से ऊपर आकर वहां से बर्फ हटा देती है और वहीं बेहोश हो जाती है, जिससे बलून नीचे जाने लगता है और ये लोग 38,600 फीट पर जाने का रिकॉर्ड बना लेते हैं। और जैसे ही बलून नीचे जाता है कि एमिलिया वहां से गिर जाती है, लेकिन रस्सी से बंधी होने की वजह से बच जाती है, और वो जेम्स से मदद मांगती है जो होश में नहीं रहता, और एमिलिया कोशिश करके बलून पर आ जाती है और जेम्स को संभालती है, जिससे वो अपनी रीडिंग लिखता है, और ये लोग ब्रैंडी पीकर इसे सेलिब्रेट करते हैं, और जेम्स कुछ बर्फ की ओस ले लेता है जिससे उस पर एक्सपेरिमेंट कर सके, और एमिलिया उसे बताती है कि वो सिर्फ इसलिए उसके साथ आई क्योंकि जो भी गलती उसने अपने पति के साथ की थी उन्हें सुधार सके और अपने ज्ञान का सही यूज कर सके, और जेम्स उसे बताता है कि वो बस अपने साइंस के सपने को पूरा करना चाहता था जिससे लोगों को मदद मिल सके। और तभी इनका बलून तेज गति से नीचे जाता है, जिससे ये उसे हल्का करते हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलता, जिससे एमिलिया खुद कूदने की कोशिश करती है और जेम्स रस्सी से लटक कर बास्केट को रस्सी से काट देता है, जिससे वो नीचे चला जाता है, और ये उस बलून को एक पैराशूट बना देते हैं और पेड़ों से टकरा कर नीचे गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं, जिसमें एमिलिया उठकर जेम्स के पास जाती है और खुद को जिंदा देखकर ये काफी खुश होते हैं, और इनकी खबर पेपर में छपती है, जिससे सब लोगों के बीच इनकी इज्जत बढ़ जाती है, और जेम्स जाकर सभी लोगों के सामने अपनी स्पीच देता है और उन्हें मौसम और वायुमंडल की जानकारी देता है, और एमिलिया भी अपनी बहन के पास आकर खुश होती है, और ये क्लासिक मूवी यहीं खत्म हो जाती है।
दोस्तों 2019 में रिलीज हुई इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.6 है और 4 करोड़ डॉलर में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 38 लाख यूएस डॉलर की कमाई की थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर लौटूंगा एक नई मूवी की एक नई कहानी के साथ।